तो मीनाक्षी, सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, और हाल फिलहाल आप होकर भी वहां से आई हैं। आपको पता होगा किस तरह से कांग्रेस में एक तरह से तनातनी जारी है। कांग्रेस के कप्तान कमलनाथ लगातार ढीले गेंद डाल रहे हैं और बीजेपी को चौके छक्के लगाने का मौका भी दे रहे हैं। आरएसएस को देख लेने की धमकी देने के बाद कमलनाथ ने महिलाओं को कम टिकट देने के सवाल का कुछ यूं जवाब दिया कि बीजेपी कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। देखिए, हमने महिलाओं को, जो जीतने वाली महिलाएं थी, उनको टिकट दिया है। केवल एक कोटा और सजावट के लिए हम उस रास्ते में नहीं गए। कमलनाथ की जुबान एक बार फिर दगा दी गई। मौके की नजाकत को भांपने में वो एक बार फिर नाकाम रहे। बीजेपी के लिए उन्होंने एक बार फिर ऐसी ढीली गेंद उछाल दी जिस पर करारा शॉट लगना तय था। जरा विस्तार से सुनिए कमलनाथ ने कहा क्या। देखिए, हमने महिलाओं को, जो जीतने वाली महिलाएं थी, उनको टिकट दिया है। केवल एक कोटा और सजावट के लिए हम उस रास्ते में नहीं गए। कमलनाथ के बयान का लब्बुल लुआब ये है कि कांग्रेस ने उन्हीं महिलाओं को टिकट दिए हैं जिनकी जीत के मजबूत आसार हैं। कांग्रेस ने न कोटा देखा न खूबसूरती देखी, लेकिन कमलनाथ के इस बयान में बीजेपी ने सियासत की संभावना देखी और इसे महिला के सम्मान से जोड़ दिया। अभी और मैंने देखा, कमलनाथ भैया ने क्या कह दिया पता है? महिलाओं को सजावट के लिए टिकट हम नहीं देते। ए कमलनाथ, ये मेरी बेटियां, ये मेरी माताएं, इनका हम बहुत सम्मान करते हैं। ये वो धरती है जहाँ माँ बहन बेटी का सम्मान किया जाता है। ये वो धरती है जहाँ कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कमलनाथ की जुबानी चूक पर बीजेपी अब जमकर चुनावी रायता फैला रही है। पुराने मामले निकाले जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह की पुरानी टिप्पणी की याद दिलाई जा रही है। थोड़ी बात, थोड़ी सी बात, पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये शॉर्ट टच माल है। जिस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी रही, जिस पार्टी से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उस पार्टी पर महिला सम्मान से खिलवाड़ का आरोप लग रहा है। क्योंकि कमलनाथ जैसे नेताओं को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कब, क्या और कितना बोलना है। वो उनका एक ही स्लोगन है, अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट दो। केवल दो लाइन और कोई पाठ पढ़ाने नहीं जाते, ये इनकी रणनीति है और इसमें आप सबको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। हम निपट लेंगे इनसे बाद में, पर मतदान के दिन तक आपको सब कुछ सहना पड़ेगा। कमलनाथ के दो महीने पुराने इस वीडियो पर भी बीजेपी हमलावर है। पता नहीं कमलनाथ कब समझेंगे कि उनका सामना 2018 की बीजेपी से है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश के बाद अब रुख बिहार का करेंगे, जहां पर जासूसी की सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने आज सुबह एक ट्वीट किया और ये लिखा कि सीसीटीवी कैमरे से नजर रखने के लिए नीतीश कुमार साजिश रच रहे हैं और इसी वजह से ये सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया है। नीतीश और तेजस्वी का सरकारी आवास एक दूसरे के करीब है। तेजस्वी का ये कहना है कि नीतीश कुमार के बंगले के उसी हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो उनके बंगले के सामने पड़ता है। जी, नेता तेजस्वी यादव ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सरकारी आवास पर जासूसी करवा रहे हैं एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आवास का बाउंड्री वॉल है और ये जो सीसीटीवी लगा हुआ है, एचडी सीसीटीवी है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने आज एक ट्वीट किया है और कहा है कि क्योंकि ये जो बाउंड्री वॉल के अंदर का जो माहौल जो घर है, ये मुख्यमंत्री आवास है और ये आप जो मेरे तरफ दाहिने तरफ देख सकते हैं, ये तेजस्वी यादव का आवास है 5 देशरत्न मार्ग। यानी कि इस ऊंचाई पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर की जासूसी कराना चाह रहे हैं, उन पर नजर रखना चाह रहे हैं। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और कहा कि मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ है, इसके बावजूद भी लोगों की सुरक्षा नहीं देखते हुए मुख्यमंत्री ऐसी जगह पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है जिससे कि उनके घर के अंदर भी देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं विरोधियों पर नजर रखने के लिए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास पर इस दिशा में एक हाई राइज
सीसीटीवी कैमरा लगाया है और ये पीछे आप देख सकते हैं ये तेजस्वी यादव के घर का घर है। तो कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है इस पूरे सीसीटीवी के ऊपर में और तेजस्वी यादव का जैसे कि आरोप है, लेकिन जेडीयू मानती है कि क्योंकि ये मुख्यमंत्री का आवास है इसलिए इस यहाँ पर सुरक्षा जरूरी है और इसी लिहाज से ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।